अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बाकी रोड लाहौर से, पाकिस्तान से। आज हम एक इंजन करने लगे हैं, ये हार्वेस्टर का इंजन है, फोर्ड हार्वेस्टर में ये इंजन आया है। और ये इंजन है मर्सिडीज़ का, मर्सिडीज़ 352। ये इंजन जब ओरिजिनल चलते हैं माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छे इंजन चलते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको मैं ये बात भी शेयर कर लूँ, ये मर्सिडीज़ 352 वाला इंजन, ये टाटा जो इंजन है, टाटा इंजन बना रहा है इंडिया में, टाटा बस बन रही है, टाटा ट्रक बन रही है, उसमें भी यही वाला इंजन है, ये OM 352 वाला इंजन है। और इसके कुछ पार्ट जो है वह टाटा के यूज़ किए जाते हैं, कुछ पार्ट्स इसके मर्सिडीज़ के यूज़ किए जाते हैं, जो उनसे पार्ट्स अवेलेबल है वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें इंजन में ये मसला आता है, ये इंजन जब ओरिजिनल चलते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद इन इंजनों को जब ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ओवरहॉलिंग करने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि कनेक्टिंग रॉड बाद में सीज हो जाता है। उसके सीज हो जाने की वजह क्या होती है, जो रॉड सीज हो जाता है उस रॉड को हम चेंज कर देते हैं, लेकिन कुछ दूसरा रॉड, कुछ अरसे के बाद दूसरा रॉड भी सीज हो जाता है। उसमें होता इस तरह है कि जब ये कनेक्टिंग रॉड एक सीज होता है, उसके साथ साथ कुछ दूसरे कनेक्टिंग रॉड भी पैदा हो जाते हैं। जैसा कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ये इसी का मर्सिडीज 352 का हार्वेस्टर का कनेक्टिंग रॉड है। अब ये देखें, ये वाला रॉड जो है ना, इस जगह से पैदा हो गया, ये वाला कनेक्टिंग रॉड है, ये इस जगह से इसका साइज चेक करेंगे तो ये इस जगह से ये इसका साइज 00 है। लेकिन क्या होता है कि ये वाले पॉइंट यहाँ से इसका साइज ठीक है, लेकिन इस जगह से इसका साइज, ये देखिए हमने लिखा हुआ है, ये 300 यहाँ से प्लस हो गया है, यहाँ से 100 प्लस हो गया है। होता इस तरह है कि जो कनेक्टिंग रॉड बैजे हो जाते हैं, अगर वो 100 में 150 में बैजा हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर कनेक्टिंग रॉड 300, 400 या 500 में बैजा हो जाए, तो वो कनेक्टिंग रॉड जब हम फिट करते हैं तो कनेक्टिंग रॉडों का बिगन का बैजा हो जाने की वजह से उसके जो दरमियान आयल पीस और रॉड के दरमियान जो फिल्म बननी है वो यूनिफॉर्म नहीं बनती। आयल की जो ट्रैफिक है, जो इसके चारों तरफ चलनी है, वो जो क्रैंक और पीस को जिसने सेव करना है, अगर यहाँ से उसका फासला कम हो तो यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरेगी यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी, और इस पर उतनी ट्रैफिक गुजरेगी इस जगह पे जहाँ पे आयल उतना ही चलेगा। ट्रैफिक को मैं आयल से कंपेयर कर रहा हूँ, उतना ही आयल चलेगा जितना यहाँ पे स्पेस होगा। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पेस होगा तो इसके इर्द गिर्द घूमने वाली जो ट्रैफिक है आयल के मॉलिक्यूल्स की, वो प्रॉपर घूमेगी, उसकी वजह से वो इसके पीस डैमेज भी नहीं होंगे और इसकी हीट भी ट्रांसफ़र होगी। अब चूंकि ये पुराना इंजन है, या तो हम सब राड़ों को चेंज कर दें, नहीं तो ये 300, 400 का जो फर्क होता है उन राड़ों को हम यहाँ से ग्राइंड करेंगे और मर्सल गेज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कैसे सही करते हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे आया कि जब ये जेन्युइन इंजन चलता है उसमें 100 का या 300 का फर्क हो तो वो चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब ये मेन बिगन जो होते हैं, ये वाले मेन बिगन होते हैं, इन मेन बिगनों में बेशुमार टाइप्स के मटेरियल्स आते हैं, इनमें अल्मूनियम के पीस भी आते हैं, इनमें ट्राई मेटल के भी आते हैं, इनमें ये लेड कोटेड भी आते हैं, इनमें अब होता ये है कि जब अगर इसमें सॉफ्ट मेटल का मेन बिगन डाला गया हो, तो अगर इसमें 200, 300, 400 भी भेजा हो, तो जिस जगह से क्रैंक शॉफ्ट पीस के साथ छुएगी वो पीस वहाँ से घिस जाएगा और वहाँ से तेल की रवानी मुतासर नहीं होगी। लेकिन अगर पीस थोड़े से हार्ड हो तो फिर क्या है कि हमको राड़ों में जो राड है उसको हमें गोल करना पड़ेगा। अगर हार्ड पीस पे आपने राड को गोल नहीं किया तो चूंकि हार्ड पीस भी क्रैंक के साथ टकराएगा और टकराने की वजह से आपका राड हीट जनरेट करेगा और बिगन सीज हो सकता है। अब ये दोनों पीसों में मटेरियल का फ़र्क मैं आपको वाजिया करूँगा, एक मिनट। ये नए वाले पीस हैं, जो नए आए हैं, नए पीस हैं, ये KS जर्मनी के हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है।
कभी पीस सॉफ्ट आते थे, कभी हार्ड आते हैं। कुछ कंपनियां अभी भी सॉफ्ट मेटल के पीस बनाती हैं। इन इसके ये सबसे नीचे यहाँ पे स्टील होता है और उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है। कॉपर के कोटिंग के बाद ऊपर एंटीमनी और लेड होता है। ये कोटिंग अगर इसमें चांदी की अमेजिश हो ऊपर वाली कोटिंग में, तो ये कोटिंग सॉफ्ट होती है और लेड की अमेजिश ज़्यादा हो। अगर वो इसमें लेड और चांदी की मिकदार कम हो जाए तो उसकी वजह से पीस थोड़ा सा हार्ड होता है। और कुछ इंजनों में ये कोटिंग उन्होंने हार्ड कर दी है। अगर हार्ड कोटिंग वाले पीस आप डालेंगे और राड आपका थोड़ा सा भी भैंसा हो तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। अगर सॉफ्ट कोटिंग वाले पीस हो गए तो अगर राड थोड़ा सा भैंसा हुआ, उतना भैंसा हुआ जितनी इस पर कोटिंग है, तो फिर आपके इंजन को कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा बेहतर है हम इस राड को गोल कर लें और ताकि इसमें हार्ड मेटल वाला पीस भी डाला जा सके और सॉफ्ट मेटल वाला पीस भी बेहतर डाला जाएगा। अभी ये पीस मैं आपको आपसे शेयर करूंगा ये कौन सा मेटल है और ये कौन सा मेटल है। इसके नए पीस हैं, ये केएस के पीस हैं, स्टैंडर्ड के जर्मनी के, ठीक है, जो मार्केट में हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इसका अभी केएस के अलावा कोई अच्छा ब्रांड ग्लाइको वगैरह के जो पीस हैं वो इससे भी ज़्यादा हार्ड है। ये देखें, इस पीस को मैं ऐसे चेक करूँगा, ये देखें, ये नाखून से मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ और इसको मैं ज़ोर से दबा के इसको खींच के छीलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पीस पे कोई भी, ये देखें, कोई भी लाइन नहीं पड़ी। ये देखें, इसके ये पुराने वाले पीस हैं, पुराने वाले पीस चेक करें, ये जेन्युइन इंजन के हैं। इसको अगर आप ऐसे खींचेंगे, ये देखें, ये देखें, ये आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, ये देखें इसमें लाइनें पड़ गई हैं, ये लाइनें इसमें पड़ गई हैं। अगर आप इसको ऐसे ज़ोर से दबा के नाखून से ऐसे खींचेंगे तो इसमें लाइनें पड़ जाएंगी। ये देखें, ये निशान पड़ रहे हैं भाई। अब इसी तरह ये एक दूसरा इंजन है, ये बड़ा इंजन है, इसके पीस को मैं ऐसे करूँगा, ये देखें, ये देखें, इस पे भी हल्के हल्के निशान आ रहे हैं। मेरे मशाहदे में आया हमारे एक शिगिर था, उसने ये मर्सिडीज़ का यही 352 का इंजन किया। उसने इंजन ओवरहॉल किया, तो जब इंजन ओवरहॉल किया, स्टार्ट किया, लोड डाला, इंजन सीज हो गया, तो वही इंजन मेरे पास आया। उसी इंजन के राड़ों को हमने उसका बैजापन दूर किया, उसी इंजन की क्रैंक ग्राइंड की, जो मार्केट में पीस अवेलेबल थे वो यूज़ किए, और जब हमने वो पीसों को, राड़ों को बैजापन दूर किया, माशाल्लाह वही इंजन कई साल चलता रहा, ठीक है। अभी ये जो मामला है, ये मामला मैंने आपके साथ शेयर करना था कि इन राड़ों को अगर पीस हार्ड हो तो आपने राड़ों को ज़रूर 200 में होने चाहिए। हम इसका साइज इस तरह मर्सल गेज के साथ चेक करेंगे, मर्सल गेज के साथ चेक करेंगे ऐसे, और इस साइज को हम इस साइड से भी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर जिस जगह पे ये 300 है और 100 है, हम इस राड को ग्राइंड करेंगे। ये हम उसी जगह से ग्राइंड कर रहे हैं जहां से राड 100 ये साइड हो गई। आपने इसको ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल एच पे, जहाँ पे ये 300 है, आपने ये चेक करना, और स्लोली स्लोली हर जगह पे आपने चेक करना। ये नहीं है कि आप ग्राइंड करते हुए इसको ज़्यादा डाउन कर दें, नहीं, आपने मर्सल गेज के साथ इसको बार बार चेक करना। चेक करने के बाद जब आपका ये राड 100 में हो जाए, 100 यानी कि आधा थाउजेंड से ज़्यादा इस राड में बैजापन, आधा थाउजेंड से ज़्यादा इस राड में बैजापन नहीं होना चाहिए, तो ये राड अब इसको आप हल्का सा ग्राइंड करने के बाद हल्का सा पॉलिश करेंगे। बस इतना ही करते हैं कि जो राड जेन्युइन जैसे कंपनी ने डाले थे, 100 से कम पैजापन था, उन्हीं में राड़ों को करते हैं,
मेन लाइन को भी इस तरह करते हैं और क्रैंक जितनी कंपनी टेढ़ी रखती है उससे ज़्यादा टेढ़ी नहीं रखती, और इसका एल पंप का फेस भी करते हैं और सारे मामला इसकी ड्राइंग के मुताबिक करते हैं। और ये उसी तरह चलेगा जिस तरह जर्मनी का फिटेड चलता है, और माशाल्लाह इसी तरह माशाल्लाह इंजन अच्छे चलेंगे। और हमारी ये वीडियो राड को बैजापन को दूर करने वाली और पीस के मटेरियल के मतलब जो मैंने आपसे शेयर किया है, और ये अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। इलम फलाना सबका जारिया है, इस इलम फलाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।